शुक्रवार की दोपहर जुमे की नमाज को लेकर हुई झड़प घटना है या साजिश, जहां इस घटना के बाद राष्ट्रीय व स्थानीय मीडिया में मुद्दे ने तूल पकड़ ली है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों में इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। अब पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में इसे मस्जिद की आड़ में साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को किसी और से नहीं बल्कि खुद उन्हीं के समुदाय के कुछ लोगों से खतरा है। आज एक मामला दरभंगा शहर के मोहल्ला फैजुल्ला खान का आया सामने, जिसमें कुछ चैनलों पे इस तरह की न्यूज चलाई गई कि जुमा की नमाज जबरदस्ती कुछ लोग पढ़ना चाह रहे थे और उसे नाम दिया गया कि उपद्रवी लोग मस्जिद में जबरदस्ती कर रहे थे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, उन्हें मना किया गया तो मस्जिदों में से पत्थर बरसाया गया। इस तरह का कई मामला न्यूज चैनलों ने चलाया और एक अलग तरह का माहौल बना दिया मुसलमानों के खिलाफ। जब इसकी तहकीकात की गई तो मामला न तो जुमा की नमाज का निकला न ही मस्जिद का मामला निकला। हाँ, घटना जरूर घटी, आपसी रंजिश में घटी, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन वो जो घटना स्थल था वो मस्जिद से सटा हुआ है, इसलिए उसे लोगों ने, कुछ जो तथा कथित नेता लोग हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, इतनी जल्दबाजी तो बड़े बड़े मामले में जिला प्रशासन नहीं कर पाती है जितना कुछ टिटपुजिए नेताओं ने किया। प्रेस रिलीज तक तैयार थी, कुछ मीडिया के ही लोगों ने मुझे बताया कि फोटो और न्यूज मुझे फौरन मिला और मुझे जबरन इस न्यूज को भी चलाने के लिए कहा गया। और ऐसे लोग जो समाज दुश्मन अनासिर हैं उनसे बचने की जरूरत है, चूंकि मामला आपसी रंजिश का था, लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं जो इसे जुमा की नमाज और मस्जिदों से जोड़ करके एक अलग तरह का माहौल बना दिया। न सिर्फ उस मोहल्ले की बदनामी हुई, मस्जिद के जिम्मेदारों की बदनामी हुई, बल्कि एक तरह से पूरे मुस्लिम समाज की छवि पे हमला किया गया है। हम इस तरह के मामले की निंदा करते हैं और हम प्रशासन से चाहेंगे कि वो निष्पक्ष जाँच करके इस मामले को उजागर करे। मामला आपसी रंजिश का था, न कि मस्जिद और जुमा की नमाज का था। कुछ लोग इसमें एक साजिश के तहत इसी में अपनी सियासी रोटी सेकना चाह रहे थे और इस मामले को मस्जिद और जुमा की नमाज से जोड़ करके एक तरह से आपसी रंजिश को धार्मिक मामला बना करके पेश कर दिया गया है, जिसकी हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो लोग इस तरह का मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। साथ ही जो कुछ चैनल ने इस मामले को चलाया, बड़े बड़े चैनलों ने भी और लोकल स्तर पे भी, मानो के दरभंगा में भी अर्णब गोस्वामी जैसा पत्रकार पैदा हो रहा है, बगैर फैक्ट जाने, बगैर पक्ष लिए किसी मामले को इस तरह से चलाना कि जबरदस्ती जुमा की नमाज पढ़ने को लेकर के मस्जिद में पत्थरबाजी हुई, जबकि ऐसा कुछ भी मामला नहीं था। सीधा सीधी आपसी रंजिश का मामला था जिसको एक धार्मिक शक्ल दिया गया। हम ऐसी तमाम घटनाओं की निंदा करते हैं और एक बार सभी लोगों से अपील करते हैं कि ये जो कोरोना महामारी का मामला है इसमें लॉकडाउन का पालन करें, सरकार प्रशासन का सहयोग करें, किसी भी तरह का सांप्रदायिक मामला में।